हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरे सभी वीडियो देख सको। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम होम डेकोरेशंस के लिए न्यूज़पेपर से कुछ बनाएंगे। ये देखिए, हमें पेपर लेना है। पहले कलर पेपर 10 सेंटीमीटर की चारों तरफ से लेंस, इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है, फिर इसको वी शेप में मोड़ देना है, फिर पेंसिल से इसके ऊपर देखिए इतना पेंसिल से इसको हम ऊपर से गोलाई से बना देंगे। अब इसको हम सीजर से कट कर देंगे। ये देखिए, खोलने पर ये एक फ्लावर रूप में दिखाई देगा। ऐसे ही हमें 5 शीट चाहिए। देखिए इसी प्रकार काट लेंगे पांचों को भी। हम इन सबका यूज करेंगे। एक में से हम एक कली कट कर लेते हैं। दूसरी में से हम 2 कलियां कट कर लेंगे। तीसरी में से हम 3 कली कट करेंगे और चौथी में से हम 4 कली कट करेंगे, मीन्स आधा काट लेंगे और एक में सिर्फ कट लगाएंगे। फिर इसको हम फेविकोल की हेल्प से इस प्रकार से जोड़ देंगे या ग्लू से भी। ये देखिए, इस प्रकार से हम सभी को जोड़ देंगे के करके। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप मेरे सभी वीडियो देख सको और भी वेस्ट मटेरियल से बनने वाले क्राफ्ट्स, होम डेकोरेशन आइडिया, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप सभी वीडियो देख सको। साथ ही कमेंट्स करके ज़रूर बताना और कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर देना। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, इसीलिए कमेंट्स ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम लास्ट के 2-3 बच रहे हैं उनको भी कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट वाली भी हो गई। अब इसको सीजर की हेल्प से हम कट कर लेते हैं क्योंकि इनका कोना निकला हुआ था ना, तो फूल ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हम 4 में कट करेंगे। इसको पेंसिल की हेल्प से सभी को बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार, जिससे कि फूल खिला हुआ दिखेगा। अब हम इनको एक एक करके पेस्ट कर लेते हैं जिस प्रकार से हमने रखा था इनको। ये इसमें हमने एक कट लगाया था वो, इसमें से एक कली कट करी थी ये वो है। इसी प्रकार से हम एक एक करके चिपका देंगे सबको। जिसमें से हमने 2 कलियां कट करी थी ये वो शीट है। पेंसिल की हेल्प से इसको पुश करते हुए लगा लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी को लगा लेंगे एक एक करके। ये देखिए छोटी वाली को इसमें फंसा देते हैं 2 वाली में, फिर इसको भी लगा देते हैं। ये देखिए हमारा रोज़ कंप्लीट है। इसी प्रकार से हम रेड रोज भी बना लेंगे 3, जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ थी। हम सनफ्लावर बनाने के लिए एक शीट चाहिए जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। ये देखिए इतनी सी हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस पर ताकि हम सीजर से इसको कट करेंगे। हमें अंदाजा रहे हमें कितना कट करना है। देखिए सीजर से इस प्रकार से हम पतली पतली लेयर कट कर देंगे। इसी प्रकार से हम सभी में काटते पूरी शीट की जो हमने ली इतनी सबको कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, इसलिए प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, साथ ही लाइक शेयर भी करें। ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट हो गया। हम इसमें बीच में लगाने के लिए एक पत्ती कट कर लेते हैं जो कि हमने इनविटेशन कार्ड से कट करी है, शादी का इनविटेशन कार्ड है। इसमें से हम इसको इस प्रकार से अब रोल कर लेंगे। ये देखिए रोल हो गया पूरा, तो इसको ग्लू से चिपका देते हैं। अब इसके ऊपर हमने येलो शीट बनाई है, इसको भी
चारों तरफ से लपेट देते हैं। पहले ग्लू चिपका के, ग्लू से लगा के चिपक जाएगा, फिर आसानी से रोल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चारों तरफ रोल कर लेते हैं इसको पूरे कंप्लीट को। ये देखिए कंप्लीट हो गया, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए इसको खोल लेते हैं उंगली डाल के चारों तरफ से, जैसे कि सनफ्लावर हमारा खिला खिला दिखाई देगा। ये देखिए हम इसको ब्राउन चॉकलेटी कलर से इसको अंदर से कलर कर देते हैं, जिससे कि सनफ्लावर का लुक अच्छे से आएगा। ये देखिए हमारा सनफ्लावर भी कंप्लीट है। ये देखिए हम पत्ती बना लेते हैं, हमें एक दो छोटी पत्तियाँ चाहिए इसके लिए, 9 सेंटीमीटर डायमेंशन है, और एक बड़ी बड़ी पत्ती बनाने के लिए 12 सेंटीमीटर डायमेंशन लिए। इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों हमें बड़ी पत्तियाँ चार चाहिए, तो हम एक शीट में से दो पत्तियाँ ड्रॉ बन जाएंगी। इस प्रकार से मोड़ के इसको बीच में से कट कर देंगे। ये देखिए हम एक इसको इस प्रकार से मोड़ते हैं 0.5 सेंटीमीटर का, ये देखिए इतना इस प्रकार से मोड़ेंगे। फिर हम इसको आप देखिए इतना मोड़ना है हमें, 0.5 सेंटीमीटर है। इसको वापस से पलट के इस प्रकार से मोड़ते जाएंगे हम। ये देखिए इसको भी मोड़ देते हैं, हो गया। अब इसको हम बीच सेंटर में से मिला देते हैं, उसके दो दोनों किनारे हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से दिखेगी। इसको हम ग्लू लगा के पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए इसको हम टाइटली थोड़ा दबा के अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारी पत्ती तैयार है। इसी प्रकार से हमें चार पत्तियां ड्रॉ करनी है, छोटी वाली दो हम स्टिक बना लेते हैं, पेपर स्टिक। तो इसमें स्टिक लेनी है एक, इसको इस प्रकार रख के इसको रोल कर लेना है। ये देखिए हमारी रोल हो गई, इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम साइडों से कट कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो स्टिक होंगी सारी इक्वली होंगी। हम इनको सबको इक्वली कट कर लेंगे। हम इन स्टिक में कलर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें 10 स्टिक यूज़ होंगी, तो हम 10 स्टिक बना के इसको इक्वली कट करके इनमें कलर कर लेंगे। ये देखिए 10 स्टिक चाहिए, हम इसको इस प्रकार से रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से एक एक करके लगा लेते हैं हम इनके ऊपर रखते हैं हम इस प्रकार से। हम इनको ग्लू से पेस्ट कर देते हैं एक एक करके। देखिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और साथ ही लाइक शेयर भी करें। ये देखिए इसको पेस्ट कर देते हैं, इस लास्ट वाली को भी कर देते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा, इस प्रकार से दिखाई देगा। हम इसमें फ्लावर लगाते हैं जो हमने बनाया था येलो बड़ा वाला फ्लावर, देखिए इसको कोने में लगा देते हैं। अब इसी प्रकार से हम रेड वाले भी लगा देते हैं तीन। ये देखिए फ्लावर लग गए, हम पत्ती लगा देते हैं जो हमने बनाई थी इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर भी लगा देते हैं हम। ये देखिए पेस्ट हो गई, इसको बीच में लगा देते हैं ताकि ये हिले ना। ये देखिए अच्छे से पेस्ट हो गई। और ऊपर लटकाने के लिए ऊन लगा लेते हैं थोड़ा सा, इसको गांठ लगा लेते हैं। इसको हम ग्लू से पेस्ट कर देते हैं ताकि ये हिले ना। इसी के ऊपर जो हमने सनफ्लावर बनाया था उसको भी पेस्ट कर लेते हैं, जिसे धागा भी नहीं दिखाई देगा पीछे का। ये देखिए इसमें छोटी लीफ जो हमने बनाई थी उसको लगा लेते हैं इस प्रकार से।
ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको पार्टी में अपने घर को आसानी से सजा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक शेयर भी करें। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।